दोस्तों, गवर्नमेंट हमसे अलग अलग तरीके से कई टाइप के टैक्स कलेक्ट करती है। इनमें मेनली दो कैटेगरी होती हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। और आगे इन कैटेगरीज में और भी कई टाइप के टैक्स होते हैं जिन्हें समझना काफी कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। आज हम ऐसे ही कुछ टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, TDS और TCS। कई लोगों को तो ये लगता है कि ये दोनों सेम ही चीजें हैं, बट ऐसा नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि TDS और TCS क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस है। TDS और TCS इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जिसे गवर्नमेंट इसलिए लगाती है ताकि छोटे लेवल पे लोग इनकम टैक्स की चोरी ना कर पाए। बस इन्हें लगाने का तरीका अलग अलग होता है। TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उस टाइम लगाया जाता है जब कोई पर्सन कहीं से पेमेंट रिसीव करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक जगहों पे लगाया जाता है, जैसे सैलरीज पे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, प्राइज मनी जो 10,000 से ऊपर होते हैं उन पे 30%, 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी की खरीदे पर 1% एटसेट्रा। अब जैसे नाम से ही क्लियर है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी जहां से पेमेंट हुई है वहीं पे टैक्स काट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने इंप्लॉयज को उनकी सैलरी के हिसाब से जितना इनकम टैक्स बनता है वो टैक्स काट कर ही सैलरी देती है, और ये टैक्स वो TDS के नाम से काटते हैं। फिर बाद में वो इसी डिटेल्स के साथ गवर्नमेंट के पास जमा कर देते हैं। इससे गवर्नमेंट का काम आसान हो जाता है, उनको हर एक सैलरीड पर्सन पे नजर नहीं रखनी पड़ती कि वो टैक्स भर रहा है नहीं, कंपनीज ठीक से TDS सबमिट करा रही हैं नहीं, ये इंश्योर करके काम चल जाता है। और TDS कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कंपनीज को ही दे दी जाती है। इससे गवर्नमेंट के पास इनडायरेक्टली इनकम टैक्स पहुंच जाता है। सिमिलरली, जब कोई पर्सन 10,000 से ऊपर की प्राइज मनी जीतता है, फॉर एग्जाम्पल KBC में किसी ने 1,00,000 रुपए जीते, तो उससे उसकी 70% अमाउंट ही मिलती है, बाकी 30% TDS के तौर पे काट लिया जाता है और KBC ऑर्गेनाइजर्स उसे गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। ये तो हो गई TDS की बात। आगे हम बात करेंगे TCS के बारे में, और TCS और TDS में क्या डिफरेंस है इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आपके काम की एक चीज बताना चाहता हूँ। अब आप WhatsApp के जरिए ले सकते हैं बिजनेस लोन। जी हाँ, हर कोई अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, पर बिजनेस बढ़ाना मतलब डेली एक्सपेंस, न्यू मशीनरीज, अपने बिजनेस की मार्केटिंग और बहुत कुछ लगता है। ऐसे में अपने बिजनेस को चलाने के लिए और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और अगर हम बिजनेस लोन का सोचें तो बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाने में बहुत समय लग जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IIFL फाइनेंस लाया है WhatsApp बिजनेस लोन, जो कि पूरी तरह ऑनलाइन प्रोसेस है। IIFL फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो 1995 से लेकर अभी तक सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, जिसने बिजनेस लोन के लिए आधुनिक तकनीक की सहायता लेकर सबसे आसान तरीके से लोन प्रोवाइड करने की सुविधा लाया है, जो कि आपको सिर्फ WhatsApp के थ्रू मिल जाएगा। आपको सिर्फ WhatsApp के इस नंबर पर हाई भेजना है और यहाँ की फ्रेंडली फाइनेंशियल सपोर्ट टीम 24/7 अवेलेबल है, तो आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं है, और आप जानते ही हो कि WhatsApp आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखता है, तो आपका डेटा भी यहाँ बिल्कुल सेफ रहता है। इस बिजनेस लोन में आपको 10 लाख तक का लोन कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करते ही मिल सकता है। लोन अप्लाई करने से लोन डिसबर्समेंट तक पूरा प्रोसेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। IIFL फाइनेंस इस तरह ग्रोइंग बिजनेस को सपोर्ट करता है। डिस्क्रिप्शन में आप इस WhatsApp बिजनेस लोन का प्रोसेस चेक कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए, अगर आपको भी अपने बिजनेस आगे बढ़ाना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर हाई भेजकर प्राप्त कर सकते हैं 10 लाख तक का बिजनेस लोन। अब बात करें TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की, तो ये स्पेसिफिक सामान की खरीदी पे लगाया जाता है, जैसे तेंदू लीव्स पे 5%, एल्कोहल पे 1%, टिम्बर वुड पे 2.5%, टोल प्लाजा पार्किंग लॉट पे 2%, 10 लाख से ऊपर के व्हीकल परचेज पे 1% एटसेट्रा। अब चूंकि यहाँ लोग पेमेंट रिसीव करने के बजाय पैसे दे के कोई चीज खरीद रहे हैं, इसलिए यहाँ उनसे सेलर TCS के नाम पे एक्स्ट्रा पैसे लेता है, और फिर बाद में कलेक्ट हुए TCS को डिटेल्स के साथ गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख से ऊपर की कार खरीदने जाते हैं, मान लो उसका एक्स शोरूम प्राइस 11 लाख रुपए है, तो कार डीलर आपसे 11 लाख का 1% यानी 11,000 रुपए STCS चार्ज करते हैं, जिससे वो टोटल बिल अमाउंट में ऐड कर देते हैं। फिर बाद में वो इसे गवर्नमेंट के पास सबमिट कर देते हैं। इस तरीके से टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सेलर को ही दे दी जाती है, और गवर्नमेंट के पास भी इनडायरेक्टली टैक्स पहुंच जाता है। ये हो गया TCS। अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला ये कि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की चोरी बचाने के लिए ये TDS और TCS सिस्टम तो बना दिया, लेकिन क्या होगा अगर प्राइवेट कंपनीज और सेलर्स ही इसको गवर्नमेंट के पास जमा ना करें तो? और दूसरा ये कि जो लोग टैक्स लैब में आते ही नहीं है, उनसे तो एडवांस में ही टैक्स वसूल कर लिया गया, वो क्या करेंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सिंपली कहा है
कि अपनी ITR इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे। इसे दोनों काम हो जाएंगे। पहला ये कि अगर कोई इनकम टैक्स लैब में नहीं आता है तो उसको अपने भरे हुए TDS और TCS का रिफंड मिल जाएगा, और अगर कोई टैक्स लैब में आता भी है तो उनके इनकम टैक्स में उन्हें भरा हुआ TDS और TCS माइनस हो जाएगा और उन्हें सिर्फ बचा हुआ इनकम टैक्स ही पे करना होगा। और दूसरा कि जब लोग अपने भरे हुए TDS और TCS की डिटेल्स के डॉक्यूमेंट्स अपनी ITR में सबमिट करेंगे तो उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रॉस चेक कर सकता है कि कंपनी द्वारा वो TDS और TCS भरे गए हैं नहीं। इनकेस नहीं भरा हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन पर फाइन भी लगा सकता है और उन्हें अपना कलेक्ट किया हुआ TDS या TCS ब्याज के साथ जमा कराना पड़ता है। इस तरीके से गवर्नमेंट का काम आसान हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग जो पहले इनकम टैक्स फाइल नहीं करते थे वो भी अपना TDS और TCS का रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स फाइल करते हैं। अब अगर वीडियो को समराइज किया जाए तो TDS और TCS दोनों इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। दोनों आम जनता से इनकम टैक्स इन एडवांस लेने के लिए लगाए जाते हैं। TDS गवर्नमेंट को सबमिट कराने की जिम्मेदारी कंपनीज की होती है जो आम जनता को सैलरी के नाम पे पेमेंट या प्राइज मनी देते हैं, और TCS गवर्नमेंट को सबमिट कराने की जिम्मेदारी सेलर्स की होती है जो कुछ स्पेसिफिक सामान जिसकी हमने ऊपर बात की है वो आम जनता को बेच रहे हैं। दोनों ही केसेस में वो टैक्स आम जनता का ही होता है, बस उसको आम जनता से कलेक्ट करके सबमिट करने की जिम्मेदारी कंपनीज और सेलर्स की होती है। TDS और TCS दोनों के ही रिफंड और एडजस्टमेंट के लिए ITR फाइल करनी पड़ती है। तो ये थी TDS और TCS पे हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी TDS और TCS के बारे में बेसिक नॉलेज हो सके। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।